देखिए पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं आपके यहाँ जो डिबेट चल रही है उस पे तो मुझे ना नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात आ, आ, तो रखिए तो मुझे आप शांति से अपनी बात रखने दीजिए इसलिए मैं आपके आग्रह पर आया हूं देखिए इसमें पहले कोर्ट के फैसले को आपको समझना पड़ेगा जो मेरी समझदारी है कोर्ट के सामने बात कही गई कि हिजब पहनना हमारा फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एक बात कही और रिलीजन भी है तो कोर्ट ने उन सारी बातों को विचार करके कहा कि जो आपका ये फ्रीडम है आर्टिकल 19 जी, में जी। तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का प्रावधान भी है आर्टिकल नाइनटीन टू में तो अगर आप किसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं जो उसका ड्रेस कोड है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है अपने घर में आप पहनिए आप बाजार में पहनिए कहीं और स्कूल में पहनिए जहां उनका अगर हिजब का ड्रेस कोड है लेकिन ये आपके लिए फॉलो करना जरूरी है इसमें आपका नाइनटीन वन का अधिकार नहीं आता दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्ट ने कहा कि ये हिजब इस्लाम फेथ का एसेंशियल अंग नहीं है और मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है लगभग एक पेज का है बहुत विस्तार से इसका विवरण किया है पूरे शुराओं का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र किया है कि क्या इसल है अनिवार्य है क्या अनिवार्य नहीं है और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये हिजब पहनना यह इसका अनिवार्य नहीं है और तीसरी बात मैं भाई साहब आपके लिए बताना चाहता हूं कि इस निर्णय के पेज नंबर एक पर एक बहुत रोचक बात लिखी है कि ये जो उदीपी का कॉलेज है ड्रेस कोड 2004 से है यहां वर्षों से कोई आपत्ति नहीं थी वहां पर एक आशा मठ संप्रदाय है उदीपी में, उसमें भी मुस्लिम लोग पार्टिसिपेट करते थे एकाएक पिछले साल एकेडमिक सेशन के बीच से यह हिजब पहनने की कवायद शुरू होती है अब इसका क्या मतलब है देखना पड़ेगा एक खाली मैं अंतिम बात कह दो फिर आप जो सवाल करेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा जी जी इस पूरे मामले को मुस्लिम बेटियों के इंपावरमेंट के संदर्भ में देखना चाहिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी की कोशिश से महिलाएं आर्मी में अफसर बन रही हैं महिलाएं एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारी मुस्लिम समाज की बेटियां भी फाइटर प्लेन उड़ाएं आर्मी ऑफिसर बने तो क्या आप कहेंगे कि हम आर्मी का ड्रेस नहीं पहनेंगे ऑफिसर का

अब देखिए कुछ उस समाज के नेताओं के बारे में सवाल का जवाब मैं आपके सामने नहीं बैठा हूं उसके लिए भाजपा के प्रवक्ता काफी है मैं एक बात अवश्य आपसे कहूंगा बड़ी अदब से कि तीन तलाक का मामला तो प्रधानमंत्री के निर्देश पर कानून मंत्री के रूप में ही लाया था ना कितना विरोध किया था उन लोगों ने और याद करिए सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट दिया था कि आप फैसला मत करिए सारा मानव के केस में हम खुद मुस्लिम जमात को समझाएंगे और कि जब आप निकाह करें तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि आप तीन तलाक नहीं देंगे उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि सड़क पर मुस्लिम महिलाओं को उकसाने का काम किया आज कानून आया हमने कहा था यह सवाल न पूजा का है न पाठ का है न इबादत का है न सियासत का है यह नारी न्याय नारी गरिमा नारी सम्मान का है आज तीन तलाक में महिलाओं के अधिकार मिला वो एफआईआर भी कर सकती हैं गलत तरीके से तलाक तलाक घर से निकाल दिया गया मुझे लगता है कि इसको उसी रूप में देखना चाहिए नारी शक्ति के संवर्धन के रूप, के रूप में एम्पावरमेंट के रूप में आप मुझे अभिजी एक और बात बताइए कि अगर बेटियां डॉक्टर बनती हैं तो ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे उसका एक ड्रेस कोड होगा ना अगर आप साइंटिस्ट बनती हैं और लेबोरेटरी में जाकर प्रयोग करती हैं बड़े बड़े लेबोरेटरी में तो उसका एक ड्रेस कोड होगा कि नहीं होगा जी जी और कुछ हल्के रूप में बोलूं कि आप वकील बने तो वकालत करने के लिए आपको काला कोट बैंड पहनना पड़ेगा ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या आप कहेंगे कि मैं हिजाब पहन के बहस करूंगा ये बड़े सवाल हैं जी काफी काफी के के बड़े के सवाल है आप, आप हमारे आप साथ आप